नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार मिश्रा। आज हम लोग देखने वाले हैं कि ज्वेलरी का जो स्टोर होता है, आप अपने ज्वेलरी की स्टोर में कैसे आप बिल बनाएंगे, प्रोफेशनल तरीके से आप कैसे बिल बनाएंगे, उसके रिलेटेड है वीडियो है। सबसे पहले हम यहाँ पे मास्टर एंट्री बटन पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका गोल्ड मास्टर करके। इस गोल्ड मास्टर का यूज ये होता है कि जो भी आप लाइव रेट मतलब सेल करने वाले हैं तो उसका यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। जैसे आपका 16 कैरेट गोल्ड का आप डाल सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आप 18 कैरेट गोल्ड का भी डाल सकते हैं पर ग्राम की प्राइस, 22 कैरेट गोल्ड का पर ग्राम की प्राइस और 24 और यहाँ पे सिल्वर की भी प्राइस आप डाल सकते हैं। यहाँ पे डालने का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करेंगे तो जो लाइव रेट होगा यहीं से पकड़ेगा। उससे बेनिफिट ये होता है कि बार बार हमें प्रोडक्ट के मतलब सेल करते समय वहां पे सेल का रेट एंट्री नहीं करना पड़ता, बाय डिफॉल्ट सेल की एंट्री आ जाती है। ठीक है, अगर वहां पे अगर आपको चेंजेस करना है तो चेंजेस भी कर सकते हैं। ये देखिए, जो आपने लाइव रेट वहां पे मैंने अभी डाल के रखा हुआ है, ये देखिए 16 कैरेट का ये दिख रहा है, 18 कैरेट का ये दिख रहा है, 22 कैरेट का आपका 5000 दिख रहा है और 24 कैरेट का आपका ये दिख रहा है 6000। ये पूरे के पूरे पर ग्राम का ये प्राइस है, मतलब एक ग्राम का क्या रेट है वो यहाँ पे हमने डाल के रखा है। अभी हम एक प्रोडक्ट की एंट्री करते हैं, उस प्रोडक्ट की एंट्री में हम देखते हैं कि कैसे हम इसको एंट्री करने के बाद फिर हम सेल करेंगे। एक स्टॉक बनाते हैं। सबसे पहले स्टॉक में हमने डाला गोल्ड रिंग, गोल्ड रिंग हमने ले लिया और यहां पे मैंने डाल दिया है 22K, मतलब 22 कैरेट वाला हमारा गोल्ड रिंग है और यहां पे मैंने इस तरीके से एचएसएन कोड डाल दिया। यहां पे दो ऑप्शन आपको दिख रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, यहां पे देखिए लाइव रेट में आपको दो ऑप्शन दिख रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका नो और दूसरा ऑप्शन है यस। इन दोनों का मतलब है कि आपको लाइव रेट में सेल करने वाले हो। जो मैंने फर्स्ट टाइम आपको दिखाया था कि कौन सा कैरेट का क्या रेट है, तो यहाँ पे अगर लाइव रेट करेंगे तो ये 22 कैरेट वाला आपका रेट पकड़ेगा। अगर हमने यहाँ पे नो कर दिया तो यहाँ का सेल रेट पकड़ेगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रोसेस है। तो मैंने लाइव रेट कर दिया, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हमने यहाँ पे डाल दिया कि 1000 ग्राम हमारे पास है, यहाँ पे जीएम डाल दिया, यहाँ पर भी जीएम। अगर आपके पास HUID वगैरह है तो आप यहाँ पे बारकोड नंबर के स्थान पे आप HUID आप डाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेकिंग चार्ज देखिए, आपको तीन मोड पे है। सबसे पहले है आपका परसेंटेज वाइज है, यहाँ पे वेट के हिसाब से है, यहाँ पे आपको पीस के हिसाब से है, तीन के तीनों है। यहाँ पे हमने परसेंटेज ले लिया और यहाँ पे मैंने 10% आपका एंट्री किया हुआ है। लेने के बाद यहाँ पे हमने सेव बटन पे बस डायरेक्ट क्लिक करना है तो सुरक्षित आपका सेव हो गया, आपका स्टॉक बन के तैयार हो गया। यहाँ पर देखिए गोल्ड रिंग है हमारा, तब हम गोल्ड रिंग को हम स्टॉक देख रहे हैं। तो हमारा स्टॉक में सवाल रिकॉर्ड बटन पे जाके 22 कैरेट का हमारा गोल्ड रिंग अगर हम देखेंगे, ये वाला है, ये देखिए। तो यहां से लेके ये देखिए गोल्ड रिंग हमारा स्टॉक प्रेजेंट टाइम में इस तरीके से 1000 है। तो अगर आपको जूम करके देखना चाहते हैं तो यहां से आप देख सकते हैं, देखिए हमारा 1000 ग्राम यहां पर है, ये देखिए 1000 ग्राम। अभी हम इसको सेल पे लेके चलते हैं। तो सेल के लिए यहां पे सेल POS बटन पे आप क्लिक कर लीजिए। सेल POS पे आने के बाद आप एक बिल में बना रहा हूं, देखिए एक नंबर डाल रहा हूं 70800, इंटर किया तो यहां में यहां पर नाम पूछ रहा है तो मैंने डाल दिया राम राज, लोकल डाल दिया, लोकल उत्तर प्रदेश ले लिया। यहां पर देखिए अगर इनका कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो आप यहां पे क्रेडिट में है या डेबिट है तो यहां पे इस तरीके से CRDR करके, अगर बकाया है तो DR में, ज्यादा दिए हैं तो उन्होंने CR में आप डाल सकते हैं। यहां पर हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहां पर हमारा है रिंग है, अच्छा गोल्ड रिंग मैंने डाला था, ये देखिए गोल्ड रिंग यहां पे देखिए 22 कैरेट हमारा आ गया और प्रेजेंट टाइम में जो हमारा स्टॉक दिख रहा है अगर आप देखेंगे तो 1000 ग्राम का है, ये देखिए हमारा
गोल्ड रिंग है, आप अगर देखेंगे तो यहां पर आपका 1000 ग्राम का यहां पर ये देखिए दिख रहा है आपका पूरा। अभी हमने यहां पे गोल्ड रिंग बटन पे क्लिक किया तो यहां पे पूछ रहा है कितने ग्राम का हमारा रिंग है, मैंने डाल दिया 10 ग्राम का है, 10 ग्राम का है, मेकिंग चार्ज 10% है। तब इसमें हम समझते हैं थोड़ा सा, ये देखिए टोटल ग्रास वेट मेरा 10 ग्राम, नेट वेट मेरा 10 ग्राम, जो मेकिंग चार्ज है यहाँ पे लगा हुआ है परसेंटेज में, यहाँ पे 10%, 10% के हिसाब से पर ग्राम का 500 रुपए आया, और सेल रेट जो पकड़ रहा है आपको 5000 पकड़ रहा है। मैं आपको इसको भी थोड़ा सा दिखा देता हूं, तो इसमें आप यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए नीचे आप आएंगे ये देखिए 22 कैरेट का आपको 5000 रुपए आपको दिख रहा है। तो अभी यहां पर आप इस तरीके से इंटर 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 करते जाएंगे तो बिल आपका यहां पर आ गया। अभी आप सेटल बटन पे क्लिक कर लीजिए, टोटल 55000 रुपए का ये बिल बन रहा है। तो 55000 रुपए में सामने वाले ने हमें 55000 रुपए दिया, और यहाँ पे इंटर 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 करते चले आएंगे तो यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो बिल आपका निकल आएगा। तो सबसे ऊपर जो है आपके कंपनी या दुकान का नेम रहेगा, नीचे आपके एड्रेस हो जाएंगे, यहाँ पर आपका जो भी ये जैसे एडिट कराना चाहते हैं आप बिल उस तरीके से हो जाएगा। यह बिलिंग सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है, यह सॉफ्टवेयर आपका हो जाएगा और सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। परचेस की एंट्री कैसे करनी है, सेल की एंट्री कैसे करना है, बिल कैसे एडिट करना है, प्रोडक्ट की एंट्री कैसे करनी है, सेल कैसे करना है, स्टॉक कैसे देखना है, इजी और फास्ट तरीके से इस आप बिलिंग सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये देखिए स्टॉक है, अभी हमने स्टॉक हमारा देख रहे हैं, ये देखिए गोल्ड रिंग है, अभी 990 ग्राम हमारा है, 10 ग्राम अभी हमारा सेल हो गया। यह बिलिंग सॉफ्टवेयर बिल्कुल इजी और फास्ट तरीके से आपके व्यापार में आप इसको तरक्की की राह आसान करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, और पूरा स्टॉक इसमें आप मेंटेन कर सकते हैं, क्रेडिट सेल कर सकते हैं, सारे वर्क आप इजी और आसान तरीके से आप इसमें कर सकते हैं दोस्तों।